2023 का साल SRK के लिए बहुत अच्छा था दोस्तों। 1,000 करोड़ की बैक टू बैक दो मूवीज रिलीज हुई थी 2023 में, और इसी 1,000 काउंटडाउन को हैट्रिक में बदलने के लिए इस साल के आखिर में 21 दिसंबर को वो अपनी अगली मूवी डंकी रिलीज करने वाले हैं दोस्तों। और उसी डंकी का तड़कता भड़कता ट्रेलर लॉन्च हो चुका है, तो आज हम उसी के ट्रेलर का रिव्यू करेंगे दोस्तों। ये ट्रेलर के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो ये एक फ्रेश टॉपिक पे बनी हुई फुल ऑन फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी है दोस्तों, जिसके अंदर आपको रोमांस देखने को मिलेगा, इमोशन देखने को मिलेगा, पैट्रियोटिज्म देखने को मिलेगा, भाषा के प्रति और देश के प्रति जो प्यार होता है वो भी बहुत अच्छी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीजों को इकट्ठा करके आ रही है राजू हिरानी की मूवी जिसका नाम है डंकी, और इसके डायरेक्टर ऐसे हैं जिनका 100% ट्रैक रिकॉर्ड है दोस्तों। ट्रेलर बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, इसे एवरेज से थोड़ा ऊपर हम रख सकते हैं, मगर राजू हिरानी की जो मूवीज होती है ना वो रिपीट वैल्यू वाली मूवीज होती है, जिसे आज भी हम पूरी फैमिली के साथ फुल ऑन एंजॉय कर सके ना वैसी मूवी होती है। यहाँ पे ट्रेलर में शुरुआत में दिखाया जाता है कि 1995 में शाहरुख खान का एक यंगर वर्जन जो कि आता है एक गांव में, लालटू करके एक गांव होता है पंजाब का, वहाँ पे आ जाता है, और वहाँ पे ऐसा कुछ होता है कि उसकी मुलाकात होती है चार अतरंगी दोस्तों के साथ, और वो चार दोस्तों का सपना होता है फॉरेन में जाना, किसी भी तरीके से फॉरेन में जाना, मगर उनको इंग्लिश तो आती नहीं, तो इसीलिए वो लोग बोमन ईरानी के इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस में एडमिशन लेते हैं, और वहाँ पे अपने विकी कौशल इस तरीके से इंग्लिश को बोलता है ना, वो देख के आप जरूर हंसोगे। ऊपर से एक सीन में दिखाया जाता है कि विकी कौशल का किसी अंग्रेज के साथ लड़ाई हो जाती है, उसके बाद वो कहता है कि इसे हिंदी नहीं आती फिर भी पंजाब में रहता है, तो मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं फॉरेन में क्यों नहीं रह सकता। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि किसी की चिता जल रही है, और उस समय शाहरुख खान जिस तरीके से सबको डायलॉग डिलीवरी देते हैं ना, वो इतना इमोशनल सीन था ना दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये सीन जब भी थिएटर में आएगा ना तो बहुत सारे लोगों की आंखें नम हो जाएगी। उसके बाद एक सीन में दिखाया जाता है कि कोई इंसान आग की लपटों में पूरा सा लिपट के कहीं पर चल के जा रहा होता है, तो यहाँ पे किसी की डेथ भी हो सकती है दोस्तों, तो इमोशन का भी बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा है इसके अंदर। ऊपर से नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तापसी पन्नू जो शाहरुख खान से बहुत ज्यादा प्यार करती है, वो भी इसके अंदर बखूबी दिखाया दोस्तों। उसके बाद ये लोग किस तरीके से रेगिस्तान का सामना करते हुए भारी बर्फबारी के बीच में, उसके बाद दुश्मनों की गोलियों से बचते बचाते समुन्दर को चीरते फॉरेन की धरती पे एंट्री लेते, वो सारी चीजें एक के बाद एक फटाफट हमें देखने को मिलती है दोस्तों। उसके बाद एक सीन में दिखाया जाता है कि शाहरुख खान को फॉरेन की पुलिस हथकड़ी पहना रही है, उसके बाद हमें शाहरुख खान का एक ओल्डर वर्जन लास्ट में देखने को मिलता है, और वो जिस तरीके से जय हिंद कहता है तो उससे मुझे ऐसा लगता है कि ये 100% पेट्रियोटिज्म से भरी हुई मूवी होगी दोस्तों। और यहाँ पे ट्रेलर का दी एंड हो जाता है, तो ट्रेलर में हमें रोमांस, इमोशन, देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म, हमारी भाषा के प्रति हमारा प्रेम, वो सारी चीज़ें इस तरीके से देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से अगर ये सारी चीज़ें हमें मूवी के अंदर अच्छी तरीके से कनेक्ट कर गई ना, तो ये मूवी को कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने डंकी का ट्रेलर देखा तो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हो, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।